पूरा स्पाइसी बन रहा है। नहीं बहुत स्पाइसी भैया, एकदम कलरफुल बन जा रहा भैया। आज बनाएंगे अपन काबुली चना राइस। बार बार काबुल क्यों जा रहे हैं तुम लोग लाने के लिए? तो पुनः उसको पानी में भिगा के रखे ना। ये क्या है क्या? हाँ वही जाके लाया था। काबुली जाके हालत देखो इनका। इसके ऊपर डालेंगे पानी, इसके अंदर डालो। ये आ गया काबुली चना। 10 मिनट तक अच्छा सा उबालेंगे इसको। 10 मिनट में हो जाता क्या? हाँ हो जाता, क्योंकि हो जाएगा। पानी में भिगा के रख दिया था ना। और यहाँ पर एक गाजर को भी काट देंगे भी। इसका ऊपर से छिलका को निकाल देते। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इसके अंदर ऊपर नहीं, ऊपर डाल तो अंदर चले जाता। अंदर डाल देते, अंदर डाल दिए तो बस। उधर क्या हो गया इनको? भूख लग रहा है जाके। ऐसा उधर खाना नहीं दिया था। कहाँ पे? काबुल में। काबुल में कोई भी खाना नहीं दिया उसको। चना नहीं मिला उनको। चना नहीं मिला। चना मिला था मगर पानी नहीं मिला भिगाने के लिए। काटना है थोड़ा सा, फ्राई बना देना। और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता भैया। हाँ टाइम क्यों नहीं लगता? नहीं लगता, नहीं लगता भैया, ज्यादा नहीं लगता। उबाल लो बस, फ्राई कर दो, चावल डाल दो, ढक दो बस, बस रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा अपने आप। चलिए अभी तक 10 मिनट हो चुका है, अब इसका ढक्कन निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए चना आधा उबल गया, अब इसको बाहर निकालेंगे और आधा चावल के साथ पकाएंगे इसको। इसमें पकाएंगे भैया कैसा? हाँ इसी हांडी में पकाएंगे। ठीक है भैया। अब इस पे डालेंगे तेल। चलिए अभी तेल तो अच्छे से गर्म हो चुका है, और सबसे पहले इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इसमें तेज पत्ता, लवंग, इलायची। उसमें तेज पत्ता कहाँ है? ये आ गया, ये आ गया। अभी डालेंगे इसमें गरम मसाला, और ये आ गया हरी मिर्च, और इसमें डालेंगे कटिंग किया हुआ प्याज। अब इसको अच्छा सा मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए ये तो अच्छा सा फ्राई हो रहा है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको मिला दो। इसका अभी इसको इसका साथ अच्छे सा फ्राई करेंगे भैया। और अब डालेंगे इसमें गाजर, और ये आ गया बीन्स। थोड़ा सा नमक डालो। बन रहा है एकदम कलरफुल बन रहा है भैया, और खाने में भी बढ़िया टेस्ट। कलरफुल है अभी। हां भी बढ़िया टेस्ट रहने वाला है भैया। तो सब बनना का बात है। हाँ अब डाल देंगे नमक। कुछ इतना खुशी हो रहा देखो। ये देखिए थोड़ा सा फ्राई हो गया, अब डालेंगे इसमें उबला हुआ काबुली चना। अब इसका चसा मिलाएंगे और इसमें डालेंगे पूरा मसाला। अभी डालेंगे भैया अच्छा, अभी डालेंगे टमाटो और ऊपर से डालेंगे पूरा मसाला। पहले जाएगा इसमें लाल मिर्च का पाउडर पूरा 2 चम्मच, ये आ गया जीरा का पाउडर 1/2 चम्मच, अब जाएगा धनिया पाउडर ये भी जाएगा पूरा 1.5 चम्मच, अब डालेंगे इसमें गरम मसाला का पाउडर 1/2 चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे मिला हुआ भी। अब इसको अच्छा सा मिलाएंगे। एकदम कलरफुल बन गया, रेनबो कलर एकदम भैया, पूरा स्पाइसी बन रहा है। नहीं बहुत स्पाइसी, पूरा तीखा तीखा रहेगा। हरी मिर्ची और लाल मिर्च का पाउडर भी है। देखो कितना स्पाइसी बन रहा, कितना खाएगा तुम? पूरा आंखों से पानी आने तक खा लेता मैं इसको। मुंह से पानी आए तो आंखों से पानी आना चाहिए ना। आंखों से आना, मुंह से पानी आना। तो मिलाओ अच्छा से मिलाओ, कितने लेके आता हूं चावल लेके आता। पूरा 1 ग्लास चावल है। हां भैया एकदम कलरफुल बन जा रहा है भैया। अब पानी डालेंगे। अच्छा चलो डाल दो भैया पानी। जितना चावल था डबल से आधा डालेंगे, ज्यादा आधा कहीं को भैया? आधा है ना वेजिटेबल्स। अच्छा उसके लिए 1 ग्लास चावल था, पूरा 2.5 ग्लास पानी जाएगा। पहले मसाला के लिए नमक डाल देते, आप डालेंगे चावल के लिए। अब मिला दो बस छोटा। अभी ढक्कन लगा के इसको 15 मिनट तक अच्छा से पकाएंगे। ये रेडी हो गया यहाँ पर, कोई नहीं चलो अपना ओपन कर। भैया क्या है अब देखो, ये देखिए भैया कितना अच्छा सा रेडी हो गया। डालो डालो नहीं तो बारिश का पानी घुस जाएगा। क्या दिख रहा है पूरा कलर कलर भैया, बारिश आने वाला है। रेड, ग्रीन, व्हाइट, हरा, पीला, नीला सब कुछ कलर है इसमें बहुत सारे। चलो डाल दो प्लेट में, डाल दो पूरा। खाएगा नहीं आज? नहीं भैया क्या देर कर रहे हो फिर? वाह कितना गर्म है भैया। गर्म रहता अभी चूल्हा के ऊपर ही है ना वो।
क्या खुशबू आ रहा भैया एकदम। अरे क्या खुशबू है ये एकदम भैया, इसमें थोड़ा डाला तो उतना खुशबू आ रहा भैया। बस रहने दो रहने दो, चलो अरे डाल लो ना अभी डाल लो, बाद में नहीं मिलेगा। देखो भर लो प्लेट भर लो, बहुत हो जाएगा फिर। इसमें नहीं डालेगा बना, वो खा लो पूरा तीन प्लेट। आ जाओ बना। आजकल पूरा राइस के साथ पका रहे हो, राइस के साथ खा रहे हो, बिरयानी जैसा पूरा पुलाव बिरयानी वगैरह। इसको क्या है करी जरूरत नहीं रहता। सही, इस चावल के साथ करी भी मिल जाएगा। एक एक बार करी खाना पड़ रहा ना बंद। क्या गर्म है, हाथ भी नहीं डाल सकते। अरे गर्म है ये एकदम बढ़िया गर्म। फ्रिज में से निकाला है ना अभी। ओहो ठंडा भी नहीं हुआ, एकदम बढ़िया स्वाद है। एक पन्ना देखो, बताओ पन्ना स्वाद के बारे में थोड़ा। स्पाइसी बोला था ना वैसे हो गया, एकदम स्पाइसी बन गया। इस तरह बारिश का टाइम पे गरम गरम वाला खाए तो एकदम रहता भैया। दोस्तों चलते हैं और एक मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो के साथ। इन लोगों को ऐसे ही खाने देंगे और मिलते हैं और एक जबरदस्त वीडियो के साथ।